राम राम जी सारा। मैं उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो भाई होने भी चाहिए। तो हम अपने ब्लॉग की तैयारी कर रहे हैं और अब आ रहे हैं रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाओ, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और क्योंकि अब की बार तो पता ही नहीं चला, अभी दो सावन थे, देखो मतलब मौसम ऐसा हो रहा है जिस तरह भादवा के दिन होया करे हैं। हवा सी चल रही है, गर्मी सी चल रही है, शरीर में से भाप सी निकल रही है गर्मी के कारण, तो गठबत कर ही लेते हैं। तो दो सावन तो बहुत सालों में आए, कभी दो जेठ आ जाते हैं, कभी दो भादवे आ जाते हैं, कभी दो जेठ सावन भादवा, अभी दो सावन आए हैं। तो क्योंकि पहले सोच रहे थे पहले सावन में सब कुछ सारे त्यौहार हैं, लेकिन पहले वाले सावन में सारे त्यौहार नहीं आए, दूसरे वाले सावन में सारे त्यौहार आए हैं। अब पता ही नहीं चलिया क्योंकि दो सावन होने के कारण त्यौहार ऐसे धूमधाम से मनाए ही नहीं गए। तो मैं अपने अब लोग की तैयारी करी हूँ, नहा धो ली थी, तो फिर मेरा थोड़ी सी वो है पैर में पेन सी है, चलो मैं इसमें बाम लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ वो बाम। तो ये बाम है, जल्लू बाम है, क्योंकि सबसे पहले जल्लू बाम ही चली थी। इसका असर है ना, इसका असर बहुत तेज है, जिस तरह लगाते हैं तब तो इतना असर हो नहीं होगा। और जब हम काम करते हैं गर्मी में, गर्मी होती है ज़्यादा, पसीना आता है, जब जिस तरह मिर्च की जलजलाहट होती है वैसे जलजलाहट होती है, अगर ज़्यादा लगा लेते हैं तो नींद भी नहीं आती, वैसे ऐसे हो जाता जैसे पैर धो ले। तो ना ही इसकी मालिश करनी पड़ती, क्योंकि अब तो ये पोतरे की हुई मुँह आओगी, जिस तरह मुँह है वो बहुत सारी बाम्स हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही है। और ये शुरू में यही चली थी क्योंकि हम छोटे छोटे थे, तो जब मसूरिया कथी झंडो बाम तो सबसे पहले यही चली थी। अब तो देश बिना की बाम आ चुकी है, लेकिन इसका असर भी अच्छा। मेरी ये एक दिन है ना पेन है, ज़्यादा पेन है, तो ये कहा गया था कि सिंगी लवा लो सिंगी लवा लो, तो मैंने सिंगी भी लवाई थी। यू ऐसी जलजलाहट उठा कर दी जिस तरह कुछ चुभ हो जाऊँ उसमें और कुछ निकल जाए, लेकिन तो अपने आप थोड़ी ना हुआ है। फिर वो कुछ कहने लगे भी सिंगी लवा लो, सिंगी से पूरा फर्क पड़ा है, तो मैंने सिंगी लवाई थी। तो सिंगी भी 250 रुपये की एक सिंगी, देखो ये आध पौन घंटा मैं 1500-2000 रुपये ले जाऊँ सिंगी हाले का, तो कती है मोह से। तो हम कहने लगे ना भाई इतने पैसे नहीं देते हम, तो वही बिला रामदेव के वहाँ जाते हैं तो सभी नौकरी पे लगे हुए हैं, 50-60 हज़ार में लगे हुए हैं मखाचे। चलो फिर हमने मखा ठीक है भी लगा ले, 500 रुपये में लगा दे और सब कुछ निकाल दिए, जितनी भी सिंगी निकाले वो बिल्कुल नहीं माना, बड़ी मुश्किल से माना था। तो 500 रुपये में डन हुई थी बात, तो फिर वो निकाल तो दी, सिर्फ 5-6 सिंगी निकाली, निकाल के और बिल्ला ले ठीक हो जाएगी बिल्कुल। फिर पता नहीं क्या हो गया मेरे को, तो सिंगी लगाने के बाद है ना ऐसा हो गया है जुकर ना, तो कोई इसका पान लावा, पहले तो बस वैसे झंझराट उठा करता ही, तो उसके मारे ना बुखार सा हो गया हल्का हल्का हा, ना तो मेरे तो कुछ ना होया करा था। और पाया मैं भी ऐसा हो गया जो सस्ता निकल गया, और रात को सोते हुए कभी पैरों में कोई दिक्कत नहीं होया करती, तो लेटे लेटे है ना बस पाया ना मारे जाओ ऐसी दिक्कत होती। तो भाई मैंने ये तो लगा ली, बस देखो ये एड्डी तो बिल्कुल ठीक है, और इस एड्डी का है ना बताना, इस एड्डी का यूँ थोड़ा सा हाड़ सा बाहर निकला हुआ है, किसी को पता हो तो बताना, बस ये थोड़ी सी जलन सी हो है, बाकी और तो कोई दिक्कत होना है। और ये मैंने जंडू बाम तो लगा लिया भाई, बस मैंने नहीं तो गुस्सा करेंगे, चीज़ कोई वैसे ही रख देती है, तो क्योंकि वो चीज़ को बहुत संभाल के रखते हैं। और देखो भाई ये हमारा माइक है, माइक लाए थे और यूज भी नहीं किया, क्योंकि दूसरे फ़ोन में तो यूज होता है ये, लेकिन आईफोन में पता नहीं कैसे यूज होगा, तो आईफोन का नहीं पता किस तरह से यूज होगा, तो माइक ये यूज ही नहीं किया। ऑनलाइन मंगाने का शौक है, बस ऑनलाइन मंगा लिया था, हाँ नहीं ये ऑनलाइन नहीं मंगाते, ये तो गुड़िया ने भेजा था,
ये मंगाया था ऑनलाइन, ये क्या है, ये कोर्स है क्या है, ये दिखाती हूँ मैं आपको, और ये कंपनी भी दिखाती हूँ बगैर चश्मे के, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ही छोटे अक्षर हैं, इस उम्र में थोड़ा ऐसा हो ही जा है, अभी छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते क्योंकि मशीन का भी फिर ज़्यादा करूँ मैं तो अक्षर दिखाई नहीं देते, पता नहीं कैसे खोलेगा ये, अभी खोल के दिखाती हूँ मैं क्या है ये। बहुत सारी चीज़ें आई है कभी दिखाई नहीं जाती, ये तो खाली है। तो इसमें मेरे ख्याल में आईपॉड्स थे, हाँ आईपॉड्स थे, वो बेटा यूज करा है, तो ये आईपॉड्स थे और इसमें माइक है, और फिर माइक में दिक्कत सी हो गई, ये लगाओ वो लगाओ फिर वो पसीने आ जाओ फिर, लेकिन आईफोन में, लेकिन इसकी तो दूसरा फ़ोन है उसमें तो यूज हो जाए, आईफोन में यूज नहीं होता, तो भी ये तो मैं रख देती हूँ, एक बार थोड़ा पाउडर लगा देती हूँ क्योंकि गर्मी में है ना, निपरोटे बराटे ले आना है तो थोड़ा सा खुशकुशी हो रही हाथ पर, क्योंकि मैं फुल बाजू के सूट पहनती नहीं, फुल बाजू के नहीं पहनती, तो भी हाफ बाजू के पहनती हूँ मैं एक सूट रखती खेत का, तो सूट में ही माचा है तो थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ मैं इस पर। लगा देती हूँ फिर आके ना साबुन के साथ, फिर बाद में धोऊंगी मैं, साबुन के साथ धोने पड़ेंगे, थोड़ा सारा अच्छी मिल जाएगी, चबक 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 रहेगी, क्योंकि इतनी मोटी भी नहीं, फिर वजन सारा है मेरा, मैं 77 किलो है, 77 किलो वजन है मेरा, और ये कह रहे हैं भी वजन के कारण पाँव में दर्द रहता है, तो भी मान लो भी प्रैक्टिस भी करें, इतना प्रैक्टिस करें इतना तो ठीक रहा है, फिर उतना ही वजन फिर बच जा है, और फिर काम भी बहुत हो जाए, ये भी नहीं अभी भी सारे दिन खाट में पड़े रहा, काम भी हो जाता सुबह शाम को, देखो काम बहुत हो जाता है, सुबह भी हो जाता शाम को भी हो जाता है, दिन में तो देखो आराम करेंगे, दिन में तो इतनी गर्मी है, और ये कह रहे भी एसी लिया, एसी लिया मैं एसी लाने के बाद शरीर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है अपना कूलर में ठीक है, क्योंकि एसी में रह कर फिर एकदम तब बाहर नहीं है सुहावगा, एकदम बाहर निकलेंगे तो दुताड़ सी बनेगी, और इन्हें ठान तो ठान ले लिया कर मानेंगे, तो भी थोड़ा सा ये थक लगा लेती हूँ, इससे थोड़ी ठंडक सी मिला है, बिल्कुल छिड़ी छिड़ी सी हो जाए हाथ, एहसास भी नहीं होया, और थोड़ी ठंडक सी भी दिख जाएगी, और भी जिस तरह मेरे हाथ भी गोरे हैं, फेस भी गोरा है और शरीर भी गोरा है, लेकिन जो मेरी गिट्टी है वो मेरी गर्दन है जो वो इतनी गोरी नहीं है, मेरी गर्दन सबसे ब्लैक है, मतलब सारे शरीर से ब्लैक है, ब्लैक इतनी ब्लैक तो नहीं है पर थोड़ा फर्क है, गर्दन मेरी और शरीर से थोड़ी ही नॉर्मल ही है बस, और मेरे बच्चों की गर्दन सही है, मेरी पता नहीं क्यों ब्लैक है, बच्चों की ठीक है ठीक है। और भी मैं ब्लॉक में खेल ही आती हूँ क्योंकि मेरे वैसे तो घर वाले खुश है, ऐसी बात नहीं है कि भाई ये कहते भी ब्लॉक मत बना, ब्लॉक मत खुश है, लेकिन वो आना नहीं चाहते मेरे देवर, और मेरे जो गुड़गांव वाली देवरानी वो तो आ जाती है, देवर भी आ जाते हैं, और बच्चे बच्चों को तो मैं लेती ही नहीं क्योंकि लड़कियों को ठीक नहीं होता, लड़कियों को नहीं लेती मैं, और मेरी लड़की तो आ जाती है, लड़का भी आ जाता है, हस्बैंड भी आ जाती है, सासू भी आ जाती है, ये तो आ जाते हैं, फिर और जो एक बार ही मना कर दिया था, फिर उसके बाद मैं नहीं लेती, भाई ठीक है खुश नहीं है तो के जरूरी थोड़ी है, भाई क्या पता उनको वैसे शर्म आती हो भाई मुझे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं अच्छी नहीं लगती, इसलिए मतलब मना तो नहीं करते, कोई मना नहीं करता, देवर जी भी नहीं मना करते एक भाई क्यों नहीं आ रही है, तो बस वैसे नहीं ले रही मैं, और बच्चों को तो मैं अपने आप ही नहीं ले रही,
लड़के तो छोटी आ जाए, लड़के तो मैं जबरदस्ती ले लेती हूँ, और कहते बड़ी माँ ने मेरे को ले, वो पीछे से फोन लेकर उसे कट कर देते हैं, मैं ले लेती हूँ, तो लड़के को तो मैं अपने आप ही नहीं लेती। और भाई जो मेरे वो लोग देखते हैं, मेरे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी कमेंटें करते हैं और मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो शुरू से ही जुड़े होते हैं मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ, और ऐसे सपोर्ट करते रहियो। देखो भैया हर इंसान का एक जैसा नेचर नहीं होता, किसी का कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। और जो अच्छे हैं, जो 40 से ऊपर एज के हैं, देखो वो तो अच्छी कमेंटें लिखेंगे, और जो कोई आजकल के लड़के वो अच्छी नहीं लगते। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, थोड़ी बढ़िया बढ़िया कमेंट भेजा करो, तो कि हमें भी हौसला होगा और हम भी अच्छी अच्छी वीडियो भेजें। ये बाप के कहने से हम थोड़ी ना वीडियो भेजेंगे, ये बनाओ वो बनाओ, आप ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं करेंगे। जो हमारा इच्छा होगी हम देखो वैसे ही करेंगे। भाई हमारा भी इज्जत है, हम भी घर परिवार से हैं, और हमें अपने मतलब पीर का, घर वालों का भी डर है, और ससुराल का भी डर है, हर चीज़ का डर है, दबाव है। ऐसे नहीं है भाई हम खुले ही हैं बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये जब छोटी उम्र थी तो हम इनके हिसाब से जी रहे थे, थोड़ी ही अब उम्र के हिसाब से भी ला लो कुछ भी ला लो, अब भाई हम अब लोग बना रहे तो अपनी थोड़ी ही जिंदगी जी रहे हैं। भाई बोल दिया हमें, अब बच्चे बड़े हो गए, पढ़ा दिए लिखा दिए, तो थोड़ी सी जिंदगी हमें जीने दें, क्योंकि हम कहीं भाग के नहीं जाएंगे। अब तो YouTube ने भाई इतना बढ़िया मौका दिया है, इतना अच्छा काम किया है। पहले ये सोचते थे वही TV में कैसे आवा है, ये आवा है, क्या पता था हमें भी आना पड़ गया फ़ोन में, और क्या कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक याद ही है बंदे की, अगर भाई इसमें अगर एडजस्ट हो गए तो क्या पता आदमी का कब कहाँ कैसे चले जाए। तो हमारा पता है कि कल क्या होगा, तो भाई उसकी याद तो रह जाएंगी, इसलिए मैं अपनी मम्मी को लेती हूँ। और ये बहुत संकोच है, अभी दो साल पहले नहीं यूट्यूब चैनल खोले, अगर 2 साल पहले चैनल खोल लेते तो मेरे पापा भी आ जाते। मेरे पापा तो बहुत व्लॉग बनवाते, बहुत ज़्यादा व्लॉग बनवाते, बहुत हंसी मजाक करते, बिल्कुल भी मना नहीं करते, वे बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मतलब बहुत अफसोस हो रहा है। पापा उठते तब बनाते, क्योंकि बच्चे भी कहते थे मम्मी पहले क्यों नहीं बनाने लगी, पहले बनाते तो दादाजी भी आ जाते, तो वे भी पहले मुखा नहीं ज्ञान था। और ये तो मैं अपने घर गई तो मेरी भाभी अपने घर गई तो उसकी मामी बना रही थी, तो उसने उसको उकसाया तो भाभी उकसी, तो 5-6 दिन हमने यूं ही प्रैक्टिस करते रहे। तो फिर मैं यहाँ आने के बाद मैं अपना उनको सपोर्ट करती रही, थोड़ी थोड़ी वीडियो भेजती रही। फिर उन्होंने कहा तू अपना खुद चैनल खोल ले, तो मैंने मतलब इजाज़त ली। पहले इन्होंने मना कर दिया, फिर मैं बोली देखो इनके इतने व्यूज आ रहे हैं, ये इतनी चढ़ गई, आम ही बात है, घर की कहानी है, घर की ये बात है, बस काम करो और वो लोग बन जाए। तो फिर बच्चे भी कहने लगे ताऊ जी क्या दिक्कत है, बनाने तो अपनी माँ को। और कोरोना में बच्चों सभी आए हुए थे, कोरोना में बच्चों ने चैनल खोल दिया, तो मैं वीडियो बनाने लगी, और इतना सपोर्ट मिल रहा है, और भी सपोर्ट मिले। और ये बताओ भाई बस इतने ही व्यूज़ आते हैं भैया, आगे कैसे बढ़े व्यूज़ बढ़ाने के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना भी क्या करें भाई आगे, जो हम और भी आगे बढ़ सके। और भाई आज का व्लॉग बस इतना ही, और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। राम राम।